उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने पुलिस को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी घमासान मच गया। एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए योगेश मौर्य ने कहा था कि अब यूपी की पुलिस आजम खान की भैंस पकड़ने का काम नहीं करती बल्कि अतीक को गोली मारने का काम करती है। जैसे ही योगेश ने ये बयान दिया, इस बयान को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी। यही मामला जब केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके बेटे के इस बयान के बारे में पूछा गया तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वो अभी बच्चा है, उसे राजनीति की समझ नहीं है। आपको बता दें कि योगेश मौर्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मंच पर कौशाम्बी जिले के डीएम साहब मौजूद हैं, मैं उनसे एक बात ही कहना चाहता हूँ कि अब आपकी पुलिस आजम खान की भैंस पकड़ने का काम नहीं करती है बल्कि अतीक को गोली मारने का काम करती है।